हेलो गाइस, CSS PMS गुरु में आप सबको खुश आमदीद। गाइस, जैसा कि आपको मालूम है, हम स्टैटिक जनरल नॉलेज के बारे में पढ़ रहे हैं। और स्टैटिक जनरल नॉलेज में जो अक्सर एक या दो MCQs आते हैं, वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के जो हेड क्वार्टर्स कहाँ पे होते हैं, कौन सी एरिया में होते हैं, इससे रिलेटेड आते हैं। तो हमने वही लेक्चर सीरीज हमने स्टार्ट किया है और पिछले 3 लेक्चर्स हमने कवर कर लिए। पहले लेक्चर में हमने जेनेवा के बारे में पढ़ लिया, दूसरे लेक्चर में हमने लंदन के बारे में पढ़ लिया, और तीसरा लेक्चर जो था वो हमने वाशिंगटन के बारे में पढ़ लिया। वो हमने फार्मूला विद मेमोरी की हमने याद किया। तो गाइस, आज का हम देखते हैं कि आज के लेक्चर में हमारे पास क्या है। आज के लेक्चर में हमारे पास वियना का है। तो देखते हैं वियना ऑस्ट्रिया जो है, वहाँ हमारे पास कौन से कंट्रीज़ हैं। वियना को याद करने के लिए गाइस हमारे पास, हम PIA से याद करेंगे, PIA, ठीक है गाइस। तो वियना जैसे ही आता है तो आपने वियना या ऑस्ट्रिया का PIA से इसको कंपेयर करना होगा। तो वियना का PIA में क्या आता है, P फॉर हमारे पास पेट्रोलियम, I फॉर हमारे पास इंडस्ट्रियल, और A फॉर हमारे पास क्या आता है, एटॉमिक। तो गाइस, पी फॉर पेट्रोलियम, आई फॉर इंडस्ट्रियल, ए फॉर एटॉमिक। तो जैसे ही पेट्रोलियम से रिलेटेड कोई ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास आएगी तो हम क्या करेंगे, वो हमें पता चलना है कि वो कहाँ होगा, वियना में होगा। इंडस्ट्री से रिलेटेड जो हमारे पास आएगा वो हम क्या कहेंगे, वो भी हमें वियना, और एटॉमिक से रिलेटेड वो भी वियना। तो देखते हैं कौन कौन से कंट्रीज आते हैं PIA को। पी फॉर पेट्रोलियम, पेट्रोलियम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। दूसरा क्या है, इंडस्ट्रियल, आई फॉर इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल में क्या आता है, यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और लास्ट फॉर क्या है, लास्ट फॉर हमारे पास ए फॉर क्या है, एटॉमिक है, सॉरी गाइस, एटॉमिक फॉर क्या है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। तो गाइस, ये वियना का हमने क्या याद किया, वियना का हमने याद किया PIA का, और पी फॉर पेट्रोलियम, आई फॉर इंडस्ट्री, और ए फॉर एटॉमिक। तो यही कंट्रीज हमारे पास आती हैं, सॉरी ऑर्गेनाइजेशंस, और इस ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे पास PIA को कवर करती हैं वो हमें समझना चाहिए कहाँ होंगी, वो वियना में होंगी। तो गाइस, यहाँ हम अपना लेक्चर कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।